हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया, मैं भी ठीक ही हूँ। गाइस, आज ड्राइंग कार्टून 2 ट्यूटोरियल का पार्ट 3 है, जिसमें आज मैं आपको लिप सिंक करना सिखाने वाला हूँ। जी हाँ, किसी भी कैरेक्टर के मुंह से बातें करवाना सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, और हाँ, अभी तक आपने ड्राइंग कार्टून 2 ट्यूटोरियल का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे जाकर देख लें। तो चलिए आज का प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, कोई भी इंसान अपने मुंह से किसी भी शब्द को बोलने के लिए अल्फाबेट का सहारा लेता है। जैसे मैं अभी आपसे कोई शब्द बोल रहा हूँ तो मैं अल्फाबेट के ही किसी वर्ड्स को ही मिलाकर बोल रहा हूँ, और जब हम किसी वर्ड्स को बोलते हैं तो हमारा मुंह उसी वर्ड्स के ही तरह मूविंग करता है, जिससे हमारा मुंह कभी बंद तो कभी खुला, कभी टेढ़ा, मतलब वर्ड्स के ही तरह मूविंग करता है, तब हम अपने मुंह से कुछ बोल पाते हैं। तो सेम मेथड एनिमेशन प्रोजेक्ट में भी यूज होता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इसमें हर एक वर्ड्स को इमेज के हिसाब से दर्शाया गया है कि कौन से वर्ड्स बोलने पर मुंह का आकार किस तरह से होता है। सो गाइज, हम इसी मेथड को यूज करके लिपसिंग करना सीखने वाले हैं। तो ये जो आप माउथ का चार्ट देख रहे हैं, ये कोई सैंपल नहीं है, बल्कि इसी माउथ को यूज करके किसी भी कार्टून कैरेक्टर से बुलवाया जाता है। ये माउथ चार्ट हर तरह के होते हैं, आप कैरेक्टर के हिसाब से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो इन सभी माउथ चार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। या अगर आप और भी एक्स्ट्रा माउथ चार्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्री थिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, इन माउथ के पीछे का बैकग्राउंड को PS टच ऐप से अच्छे से रिमूव कर लें। सो मैंने सारे माउथ के पीछे का बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। अब आपको ड्राइंग कार्टून 2 ऐप को ओपन करना है। तो सबसे पहले जाना है आइटम कंस्ट्रक्टर में, और यहाँ से न्यू पे क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट ले लेना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट का एरिया है जिस पर हम काम करने वाले हैं। अब हम उन सारे माउथ को ऐड करेंगे जो माउथ चार्ट में थे। इसके लिए आपको जाना है न्यू बोन में, और ये पेंट वाला आइकन पे होल्ड करेंगे तो कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको ये कैंची वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल की गैलरी फाइल्स आ जाएंगे। तो आपको गैलरी में जाकर कैरेक्टर के हिसाब से कोई एक माउथ चार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले वाले माउथ को क्रॉप करेंगे और सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद माउथ को दोनों उंगलियों की मदद से थोड़ा छोटा कर देंगे, और फिर ब्लैक लाइन के लेफ्ट वाले छोर में माउथ को लाइन के बीचों बीच में लगा देना है। और ध्यान रहे कि माउथ का आधा हिस्सा लाइन से बाहर रहे और आधा हिस्सा लाइन के अंदर में रहे। फिर ओके पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पर वीडियो को और भी ध्यान से देखिए, बगल में एक ड्रैग का आइकन है जिसके मदद से ऐड की हुई सब्जेक्ट को लेफ्ट राइट बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि अभी भी माउथ का पार्ट लाइन के बीच में नहीं है तो ड्रैग के मदद से पार्ट को अच्छे से एडजस्ट कर ले। और यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 3 आइकन का ऑप्शन है, तो ये लेयर का ऑप्शन होता है। अगर यहाँ पर हम कोई भी सब्जेक्ट ऐड करते हैं तो उसका यहाँ पर लेयर बन जाता है। जैसे अभी हमने इस माउथ को ऐड किया हुआ है तो इसका एक लेयर बना हुआ है, मतलब यहाँ पर जितने भी मटेरियल ऐड करेंगे उन सभी का एक लेयर बन जाएगा। तो हमारा माउथ चार्ट में जितने भी माउथ के पार्ट हैं उन सबको एक एक करके इसमें ऐड कर देना है। तो इसके लिए यहाँ पर एक प्लस का ऑप्शन है जिस पर क्लिक करेंगे तो एक खाली लेयर बन जाएगा। तो हम इस खाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे और पेंट वाले आइकन को होल्ड करके कैंची पर क्लिक कर देंगे, और अब गैलरी में जाकर माउथ चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। और अब यहाँ पर माउथ का दूसरा पार्ट अच्छे से क्रॉप करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो प्रोजेक्ट में ब्लैक लाइन दिखाई दे रहा है, तो कभी कभी ब्लैक लाइन शो नहीं करता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब्जेक्ट को एकदम छोटा कर देना है और इसे बीच में इस तरह से रख देना है, क्योंकि हम अगले स्टेज में माउथ को एडजस्ट कर लेंगे। और सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
अब इसमें दूसरा माउथ का पार्ट भी ऐड हो चुका है। और अगर हम लेयर में जाकर देखेंगे तो अभी हमने जो माउथ का दूसरा पार्ट ऐड किया हुआ है उसका भी एक अलग लेयर बन चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाले लेयर में पहले वाला माउथ का पार्ट है और नीचे वाले लेयर में अभी हमने जो माउथ को ऐड किया हुआ है उसका पार्ट है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है कि सबसे ऊपर वाले लेयर में जो माउथ है उसी के बराबर दूसरा माउथ को एडजस्ट कर देना है। तो एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले माउथ वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और फिर ड्रैग को सिलेक्ट करके दूसरे माउथ के साइज के बराबर एडजस्ट कर देंगे और बार बार पहले लेयर पे क्लिक करके देखते रहें कि पहले वाले माउथ के बराबर एडजस्ट हुआ है नहीं। और इस लाइन के लेफ्ट वाले छोर में माउथ का आधा हिस्सा बाहर और आधा हिस्सा अंदर, मतलब बिल्कुल बीच बीच में इस तरह से लगा देना है। बस ये दूसरी माउथ भी लग चुकी है। तो ठीक इसी तरह माउथ चार्ट में जितने भी माउथ के पार्ट होंगे उन सबको इसमें ऐड कर देना है। और फाइनली मैंने माउथ के सारे पार्ट ऐड कर दिया हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आपको माउथ चार्ट में जितने भी माउथ के पार्ट होंगे उन सबको इस तरह से अलग अलग लेयर में ऐड कर देना है। सो अब सारे माउथ ऐड हो चुके हैं, अब आपको सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट रूम आ जाएगा और यहाँ पर न्यू बोन के नीचे हमारा माउथ ऐड हो जाएगा। और गौर करने की बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही माउथ इसमें ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हमने तो ढेर सारे माउथ का पार्ट ऐड किया हुआ था लेकिन इसमें तो सिर्फ एक ही माउथ का पार्ट ऐड हुआ है, तो बाकी के और भी पार्ट कहाँ पर हैं? तो गाइस हमने पहले क्या किया था कि एक माउथ के पीछे ही सारे माउथ का पार्ट ऐड कर दिया हुआ था जिससे वो सारे माउथ आपस में जुड़कर एक सब्जेक्ट बन गए हैं। तो इसीलिए सिर्फ एक ही माउथ का पार्ट दिखाई दे रहा है लेकिन इसके पीछे वो सारे माउथ छुपे हुए होते हैं। जब हम एनिमेशन करेंगे तो एक स्टेटस का ऑप्शन होता है, उसी में बाकी के सारे माउथ रहते हैं, उनको ज़रूरत के हिसाब से एनिमेशन करना होता है। तो इसके बारे में आपको आगे सब मालूम चल जाएगा। तो अब आपको जाना है न्यू बोन में और बिना कुछ सिलेक्ट किए ही सही के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो माउथ के नीचे एक खाली लेयर बन जाएगा। तो जैसा कि ये लेयर खाली है तो इस खाली लेयर से हम सिर्फ बोन बना सकते हैं। तो इसके बाद इस बीच वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है और खाली लेयर में 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो जैसा कि हमें बोन बनाना है तो हम अटैच पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे तो बीच वाले पॉइंट में एक लंबी लकीर बन जाएगी, तो इससे ही हम बोन कहते हैं। तो अब आपको इसमें एक और बोन बनाना है लेकिन अब की बार इसके बोन में ही एक और बोन जोड़ना है। तो हम बोन के ऊपर वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर खाली वाले लेयर पे क्लिक करके अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक और बोन जुड़ गया है। अब आपको बोन को ड्रैग करके इस तरह से कर देना है। इसके बाद दूसरे बोन के पॉइंट को सिलेक्ट करके माउथ वाले लेयर पे क्लिक कर देना है और अटैच पर क्लिक करके दूसरे बोन के पॉइंट में माउथ को अटैच कर देना है, माउथ को जोड़ देना है। अब आपको बोन के मेन पॉइंट को सिलेक्ट करना है जिस पॉइंट में हमने सारे बोन को जोड़ा हुआ है और इसके सेटिंग में जाना है और यहाँ पर स्लैब सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा कन्फ्यूज होंगे कि भाई ये पॉइंट एट्रीब्यूट्स क्या है, स्लैब क्यों सिलेक्ट कर रहे हो? तो अगर आपने मेरी बॉडी अटैचमेंट वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि मैंने उसमें पॉइंट एट्रीब्यूट्स को मास्टर पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ था क्योंकि वो बॉडी का मेन पार्ट था लेकिन ये जो माउथ है ये बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है, बाहरी पार्ट है। इसमें हम अलग से उस बॉडी पर लगाने वाले हैं जिससे बॉडी के मास्टर पॉइंट में माउथ के स्लैब पॉइंट अटैच हो जाए और बॉडी के साथ साथ मूव करे। मतलब किसी भी बॉडी में अगर हमें अलग से कोई पार्ट ऐड करना है तो उसका पॉइंट एट्रीब्यूट्स स्लैब सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे
अब फाइनली ये माउथ कंप्लीट हो चुकी है। अब आप ऊपर थ्री लाइन पे क्लिक करके सेव एस पे क्लिक करें और ऊपर कुछ नंबर होंगे तो उनको आपको सिलेक्ट करना है और अपने सब्जेक्ट का नाम लिखें और सेव कर दें। माउथ टॉकिंग कराने के लिए सबसे पहले न्यू कार्टून में जाएं और इंसर्ट में जाएं, कोई एक फोल्डर को सिलेक्ट करें। यहाँ पर देखेंगे तो एक कस्टम आइटम का फोल्डर दिखाई दे रहा होगा, तो आप इस ऐप में जो भी मटेरियल खुद से बनाएंगे, खुद से डिजाइन करेंगे, वो मटेरियल कस्टम आइटम में सेव हो जाता है। जैसा कि हम कस्टम आइटम पे क्लिक करेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर अभी हमने जो माउथ को बनाए हुए थे वो कस्टम में आ गया है। तो आपको सबसे पहले अपने कैरेक्टर का बॉडी ऐड करना है। फॉर एग्जांपल इस लड़के का कैरेक्टर ऐड कर ले रहा हूँ और अब माउथ को ऐड कर देंगे। अब अपने कैरेक्टर को अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और इसके बाद माउथ को ड्रैग करेंगे तो बॉडी के पॉइंट में हरे कलर का शेप दिखाई दे रहा होगा और माउथ में ब्राउन कलर का शेप दिखाई दे रहा होगा। तो बॉडी की शेप मास्टर पॉइंट है और माउथ का शेप स्लैब पॉइंट है। अगर हम इन दोनों शेप को पास ले जाएंगे तो दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे और जिस तरह से बॉडी को ड्रैग करेंगे तो उसके साथ साथ माउथ भी मूव करेगी। तो माउथ को इसके चेहरे में लगाना है तो सबसे पहले माउथ को अटैच से छुड़ाएंगे। तो इसके लिए एडिट यूनिट में जाएंगे, फिर माउथ वाले लेयर में जाएंगे और इसमें नीचे डी अटैच का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक करेंगे तो माउथ का पार्ट मास्टर पॉइंट से अलग हो जाएगा। तो अब आपको माउथ की बॉडी से अलग ही ड्राई करके कैरेक्टर के चेहरे के हिसाब से छोटा कर देंगे और अब आपको इस माउथ को फेस के ऊपर वाले मास्टर पॉइंट में अटैच कर देंगे। अब यहाँ पर इन पॉइंट की मदद से इस तरह से इसका मुंह एडजस्ट कर देंगे और फाइनली इसका मुंह भी एडजस्ट हो गया है। अब इसके आंख और पीछे का बैकग्राउंड भी लगा दे रहा हूँ। अब अगर इसका सर हिलाएंगे तो सर के साथ साथ माउथ और आई भी मूव करेगा। जैसा कि अब इसके मुंह से कुछ बुलवाना है तो इसके लिए आपको फ्रेम बनाना होगा और हर फ्रेम में माउथ का अलग अलग पार्ट सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि यहाँ पर एक आइकन है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक और फ्रेम बन जाएगा, जैसा कि एक पहला और दूसरा। तो आपको हर फ्रेम में अपनी कहानी के हिसाब से कैरेक्टर को एनिमेशन करना है और जहाँ पर भी बुलवाना हो या इसका मुंह का एक्सप्रेशन चेंज करना हो तो आपको हर फ्रेम में माउथ का पार्ट चेंज करना होगा। तो जैसा कि हमें माउथ से कुछ बुलवाना है तो जिस फ्रेम से बुलवाना हो उस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से दूसरा फ्रेम सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब आपको जाना है एडिट यूनिट में और जैसा कि हमें माउथ में एनिमेशन करना है तो हम माउथ वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे और सबसे ऊपर ही स्टेटस का ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं इसी स्टेटस के ऑप्शन के बारे में बता रहा था जिसमें हमारे सारे माउथ का पार्ट ऐड है। तो हम इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें कुछ नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स ही हमारी ऐड की हुई माउथ है। जैसे पबजी को इंडिया में बगमी करके लॉन्च किया गया है, बस उसका सिर्फ नेम चेंज किया गया है लेकिन उसके अंदर का जो फीचर है सेम पबजी के ही तरह है। तो ठीक उसी तरह ये माउथ को नंबर में बदल दिया गया है जिससे हमें एनिमेशन करने में आसानी होगी। अगर आप इस नंबर पे क्लिक करते हैं तो माउथ के शेप चेंज हो जाएगा। तो जैसा कि आपको माउथ से कुछ बुलवाना है तो आपको सबसे पहले वाले माउथ को सिलेक्ट कर लेना है और फिर इस आइकन पे क्लिक करके एक और फ्रेम बना लेना है और अब इस फ्रेम में दूसरा माउथ सिलेक्ट कर लेना है, फिर एक और फ्रेम बना लेंगे और इसमें तीसरा माउथ सिलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह जितनी देर तक आपको अपने कैरेक्टर से बुलवाना होगा उतने फ्रेम बनाकर सब में अलग अलग माउथ सिलेक्ट कर लेना है। और हाँ, अगर आप तीन फ्रेम बनाते हैं तो उसका ड्यूरेशन मतलब उसका समय 1 सेकेंड रहता है। तो आपको कितनी देर तक माउथ से टॉकिंग करवाना है, बुलवाना है, उतने ही फ्रेम को काउंट करके बनाए। जैसे अगर आपको 1 मिनट तक कैरेक्टर से टॉकिंग करवाना है, कैरेक्टर से बुलवाना है या उसमें कोई भी एनिमेशन करना है तो आपको 180 फ्रेम बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 15 फ्रेम बना ले रहा हूँ जिसका ड्यूरेशन करीब 5 सेकेंड होंगे और सब फ्रेम में अलग अलग माउथ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और कुछ बॉडी एनिमेशन भी कर ले रहा हूँ।
अब फाइनली कैरेक्टर बोलने के लिए तैयार हो चुका है। जैसा कि बगल में प्ले का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके बने हुए एनिमेशन को देख सकते हैं। तो देखा आपने, अगर इसी तरह से अपने कैरेक्टर का फेस इमोशन चेंज करना है तो आपको और एक फ्रेम बनानी है और माउथ वाले लेयर में जाकर देखिए कि कौन सा सैड का माउथ है, कौन सा हैप्पी का माउथ है। यानी यहाँ से आपको अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से कोई भी एक माउथ को सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल, मैं इस कैरेक्टर को सैड दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सैड वाले माउथ को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और जितनी देर तक सैड रखना है उसके हिसाब से फ्रेम बना ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ से 15 फ्रेम और बना ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल फ्रेम 30 हो चुके हैं। तो गाइस, आप जितने भी फ्रेम बनाएंगे वो सब यहाँ पर शो होते रहेगा। और अभी हमने जो फ्रेम बनाए हुए हैं उन सब में अगर देखें तो सब में एक ही माउथ सिलेक्ट है, क्योंकि हम इस कैरेक्टर को सैड दिखाना चाहते हैं, दुखी दिखाना चाहते हैं। तो मैंने सब फ्रेम में एक ही माउथ को सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब फाइनली ये भी तैयार हो चुका है। अब इसे प्ले करके दिखाता हूँ। सो गाइस, इसे देखने के बाद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि ठीक है, आपने लिपसिंग करना तो सिखा दिया, लेकिन लिपसिंग के साथ साथ हम वॉयस कैसे डालें, कोई डायलॉग कैसे बुलवाएं, साउंड कैसे ऐड करें। सो गाइस, साउंड ऐड करने की एक अलग ही वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं डिटेल्स में आपको साउंड ऐड और वॉयस ओवर करने का तरीका बताऊँगा। सो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, बहुत तेज हो रहा है। तो अब मैं चलता हूँ। हेलो, हाँ क्या आप सिकंदर बोल रहे हैं? हाँ, क्या काम था? मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। क्या, अमिताभ बच्चन? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आपसे 10 लाख का एक सवाल है कि रोनाल्डो ने कोका कोला की बोतल क्यों हटाई? रख, रख तेरी मां की, रख।